नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम साथियों। इस वक्त मैं कार्यालय उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर महाराजगंज में स्थान नटवा जंगल प्रक्षेत्र में मौजूद हूं। जो यहां ये आप बिल्डिंग जो देख रहे हैं ये सरकारी बिल्डिंग है। यहां पे जो कर्मचारी लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और यहाँ के ऑफिस का हाल, यहाँ के बिल्डिंग का हाल इतना खराब है कि आप देखेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि ये जब से ये बिल्डिंग बनी हुई है, जब से इसकी मरम्मत हुई है, तब से अभी तक इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। मैं आइए जरा यहाँ के ऑफिस का जायजा लिया जाए और यहाँ पर जो काम करने वाले जो कर्मचारी लोग हैं वो श्री राजेश कुमार यानी उप संभागीय कृषि प्रसार के अधिकारी हैं और अशफाक हुसैन वरिष्ठ सहायक, सत्य प्रकाश यादव SMS और प्रिंस कुमार सिंह कनिष्ठ सहायक और धर्मेंद्र सिंह नवनाथ साहब। इस तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के हालात क्या कितने खराब हैं। ऊपर भी है ना, आइए ऊपर आइए दिखाइए। ये देखिए ऊपर के हालात कितने खराब, ये देखिए ये टूटा फूटा, ये टेबल की तरफ जरा दिखाइए, ये देखिए कितना खराब टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है। आइए इधर, ये देखिए इस यानी छत के ऊपर को देख रहे हैं, चार उधर दिखाइए कैमरा घुमा करके, अच्छा देखिए घास फूस ये सारे ऊपर छत के ऊपर लगे, बताइए ये गंदगी की वजह से ये सारा चीज ये नजर आ रहा है। आइए नीचे की तरफ देखते हैं, ये देखिए आप लोग कितना, ये देखिए ये सब टूटा हुआ, ये लकड़ी ये आप देख लीजिए आप लोग कितना, ये देखिए कितनी इसकी ये कितना खराब दिख रहा है, बताइए। हाँ देखिए आप लोग ये हाल है यहाँ का। ये देखिए दरवाजा टूटा हुआ है और कितना कचरा है। मैं सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा और यहाँ की व्यवस्था से मैं अपील करना चाहूंगा कि इस पे ध्यान दें और इसको ठीक कराने की कोशिश करें। ये देखिए कांच टूटा हुआ है, देखिए ये कितनी खराब है व्यवस्था, ये देखिए ये भी देखिए, ये देखिए ये दरवाजा जो है, दरवाजा देख दिखाइए, ये देखिए कितना दरवाजा ये टूटा हुआ, कोई भी चोर भी घुस सकता है, ये देखिए ये कितनी हालत खराब है इस बिल्डिंग की ना, इस तरह से ये मतलब खराब है, आखिर के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए ग्लास सब टूटा हुआ है। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि मतलब यहाँ देखने में यही नजर आ रहा है कि चारों तरफ से ये टूटा फूटा बिखरा हुआ है, ना पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर सही से पंखे की व्यवस्था है। ये देखिए पूरे ऊपर तरफ झाले झाले लगे हुए, पूरी व्यवस्था एकदम पूरी खराब है। आइए हम यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं कि ये देखिए ये हाल है, ये हाल की देखिए कितना खराब दिख रही है हाल, ये चारों तरफ कांच वगैरह सब टूटे हुए हैं। देखिए हम बात करते हैं इनसे, ये देखिए ये भी, ये किसका ऑफिस है सब, ये SDO ऑफिस है, ये देखिए ये कितना, ये देखिए इसका भी हाल देखिए, ये छतें चू रहे पानी से, ये छत एकदम देखिए चू कर गई, ये छत कितना खराब हो गया कितने। आइए हम इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सर, आपका नाम? हमारा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। तो सर आप देख ही रहे हैं, आप यहाँ पे तो काफी सालों से आप यहाँ पे हैं, कितना साल हो गया तकरीबन आप यहाँ पे? 2003 अप्रैल 2003 से हैं। 2003 से हैं जी। हाँ तो काफी साल हो गया है आप यहाँ पर, और ये तो यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की बिल्डिंग ये देखी जा रही है कितनी खराब नजर आ रही है। बहुत खराब है, बहुत ही अच्छी है ना, यहाँ पे लाइट का सही से व्यवस्था है, ना फैन का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था, कैसे आप लोग रह रहे हैं? अरे भाई टाइम काट रहे हैं, क्या सरकार की जो व्यवस्था है उस हिसाब से काम चलाया जा रहा है। क्या सरकार आप लोगों ने या मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं दिया इस ऑफिस के तालुक? कई बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं सर।
आपको क्या नाम? अशफाक हुसैन, मैं यहाँ पे बड़े बाबू बरीश साहब के पद पर कार्यरत हूँ जी। मैंने जैसे कि मैं पूरा आपका ऑफिस का मैंने चक्कर मारा है, तो कहीं दरवाजे टूटे हुए हैं, कहीं कांच टूटे हुए हैं, हाल में सारे कांच सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, और वहां भी उस गैलरी में भी दरवाजे सारे दोनों टूटे हुए, कोई चोर भी आ सकता है, कोई भी घुस सकता है। तो और मैं यहाँ देख रहा हूँ ना लाइट का व्यवस्था सही से है, ना फैन का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, मतलब इन तमाम चीजों की परेशानियों का आप लोग सामना कर रहे हैं, आखिर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सर उच्च अधिकारियों को कई बार लिखा गया, लेटर वगैरह मिलके भी मौखिक मिलके निवेदन किया गया, लेकिन डीडी साहब जो जिले के अधिकारी हैं, जहां बजट आता है उप कृष्ण संघ महाराजगंज, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपना ऑफिस तो उन्होंने चमका लिया है, एसी है, लाइट हर व्यवस्था, टाइल मार्बल सब लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों के देखिए चूना तक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ खुद 10 साल से हूँ। अच्छा, और मैंने आपको 10 साल हो गया? 10 साल हो गया और यही दशा में हम लोग अपना समय काट रहे हैं भाई, चूंकि नौकरी करना है तो हम लोग किसे किसे लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारी से भी कहा जाता है, वो भी उनके साथ भी जाकर हम लोग डीडी साहब से बात किए, जेडीए भी आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं देखते हैं, फिर भी लोग अनसुना कर देते हैं। वो लोग देखते हैं लेकिन बस अनसुना कर देते हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते, या इसकी कोई बजट नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग कहाँ से दें, यही बात लोग कर रहे हैं इसकी वजह से। इसका जी बहानाबाजी हमेशा चलती रहती है, इसी तरह से हम लोगों को तनख्वाह मिल जा रहा है, समझिए यही बहुत है, बाकी कोई भुगतान नहीं हो रहा है, न कोई इस कार्यालय में फील्ड के कर्मचारी भी नहीं आते हैं, न कोई किसान आता है, न स्टेशनरी है, मतलब ये सब हम लोग खरीद के अपने पास से कर रहे हैं। ये सारा कुछ आप लोग सारा ये सब खरीद करके आप लोग कर रहे हैं? ये एक पन्ना भी नहीं है हमारे कार्यालय में जी, यानी एक पेज भी नहीं है। ये अभी फोटोकॉपी करा के ये अभी ले आए हैं मार्केट से, यहाँ पे कंप्यूटर 3 साल से खराब है, उसके लिए लिखा गया तमाम जो है मेन नहीं बन पा रहा, वैसे ही पड़ा हुआ है, सब हम लोग मार्केट से अपने पैसे से सारा काम कर रहे हैं, वेतन से हम लोग खर्च करते हैं, 1 रुपए का भुगतान भी नहीं होता। अभी मार्च में हम लोग बिल दिए थे बना के, डीडी साहब ने अपना बिल निकाल लिया, वहाँ करोड़ों का फर्जी भुगतान हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का 4,000, 5,000 या 2,000 का जो भी असली सही भुगतान रहेगा, जो हम लोग अपने पॉकेट से करते हैं, वो भी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग क्यों खर्च करने जाए भाई, जो रहेगा जो संसाधन उसी में हम काम करेंगे। लेकिन परेशानी तो आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है, जब तक हो रही है, जब नहीं समझ में आएगा तो कर्मचारी लामबंद हो के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे अपना ताला बंद करके हड़ताल करेंगे, क्या किया जाएगा भाई। वैसे तो यहाँ देखने पे तो भाई बहुत ही ज्यादा हालत खराब है इस ऑफिस का, जो वाकई में तकलीफ देह वाली बात है जो इन्होंने कहा है कि भाई इस पे सरकार कोई भी मतलब ध्यान नहीं दे रही है। ऑफिस के हालात देख रहे हैं कितने खराब हैं, कांच टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, किसी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बताइए ना शौचालय की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, 10 साल से खराब है, उसके लिए तमाम लेटर लिखा, वीडियो से मिला, प्रधान से मिला, कोई नहीं सुनवाई हो रही है, रिपोर्ट तक नहीं हो रहा, पानी हम लोग घर से ला के पी रहे हैं, खरीद के पीते हैं पानी, आप वो घर से ला कर, तो हालत तो बहुत अब तो बहुत ज्यादा खराब है, इस पे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आप अपील क्या करना चाहेंगे? सरकार से ही अपील करना चाहते हैं कि मान लीजिए हम लोग 10 से 5 यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो जो कम से कम यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट पंखे सही हो जाए, खिड़कियां दरवाजे हमारा रंगाई पोताई हो जाए, मान लीजिए कोई अधिकारी आ जाए, कोई नेता ही आ जाए, तो हम ही लोगों पर उल्टा कार्रवाई कर देगा कि तुम लोग क्या करते हैं बैठ के, तो हम लोग कहाँ से करेंगे जब हमारे पास संसाधन नहीं है, न बजट है, हमारे यहाँ कोई बजट है नहीं, हम लोग का तनख्वाह डीडी ऑफिस से निकलता है, एसडीओ का तनख्वाह भी वहीं से निकलता है, एसडीओ महोदय भी जाते हैं वहाँ कहते हैं, लेकिन उनका भी सुनवाई नहीं होती है, डीडी ऑफिस के बाबू जो है एसडीओ से भी बड़े बने हुए हैं, वहाँ 20-20 साल से जमे हैं, और हम लोगों की फाइल जो जाती है दब जाती है, सब कुछ नहीं करते हैं उस पर। अभी कल मैं एक लेटर भेजा, एक रिटायर कर्मचारी का पेंशन है, वो लेटर लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने वापस कर दिया, वो लेटर लेने से इनकार कर दिए, उसका पेंशन नहीं बन पा रहा है, उल्टा कहेंगे कि ये खुद लेके गया था, नहीं रिसीव किए, उसका मैं लेटर बनाया हूँ कि जो है नहीं लिया गया, उस पर अब वो लोग कार्रवाई करें अपना। हाँ, अभी मैं अपने अधिकारी को अवगत कराऊंगा, अभी चूंकि एसडीओ महोदय वहाँ पर दावल गोदाम पे वो है, मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे गोष्ठी है, वहीं पे है साहब, अभी चलेंगे तो उनसे सारी बात बताया जाएगा, उनसे कुछ साइन इन कराना है, ऑडिट विभाग भी आया है तो महाराज जाके ऑडिट भी कराएंगे, सारे हमारे रिकॉर्डों का ऑडिटर आते हैं, इसका ऑडिट करते हैं लखनऊ से, ये लखनऊ से ऑडिट करते हैं जी, यही सब चल रहा है अपना,
बाकी आप लोग अपना कहना ये है कि भाई इसकी व्यवस्था की जाए। परेशानियां है जी, जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ से, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है जैसा कि आप कहने के मुताबिक, और देखा भी जा रहा है जैसा भी तमाम जगहों पे ना पानी का व्यवस्था है यहाँ पर, ना टॉयलेट का व्यवस्था है, दरवाजे चारों तरफ से टूटे हुए हैं, ना फैन का सही से व्यवस्था है। बाहर जो है बाउंड्री वाल गिर गई है, पिछले चार साल से मैं लिख रहा हूँ उधर से जंगली जानवर का प्रवेश हो जाता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ रहते हैं, जंगल में ऑफिस है, कोई अनहोनी घटना घट जाए कौन जिम्मेदार होगा भाई? वहाँ से वो बाहर दीवार गिरा हुआ है, आइए दिखाइएगा जरा, ताकि आप अशफाक साहब ने जो बातें कही हैं कि ये दीवार यहाँ से गिर गया है और ये रास्ता बन गया है, और ये जो ऑफिस है यहाँ पर ये जंगल के किनारे है, और उनका कहना है कि कोई जंगली जानवर आ सकता है, हम लोगों को बहुत डर और दहशत में यहाँ पे हैं, और जो कि ये दीवार गिरा हुआ है इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको जोड़िया नहीं किया जा रहा ताकि इसको घेर करके इसको दीवार को उठाया जाए और सेफ्टी किया जाए। तो ये देख लीजिए आप लोग कितना है ये दीवार टूटा हुआ, और रास्ता इसी से ये रास्ता बना हुआ है लोगों का आने जाने का, बताए इधर से आते जाते हैं लोग। हमारा ये आपका नाम क्या है? नौनाथ। क्या आप यहाँ क्या कार्य कर सुपर है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हमारा व्यवस्था यह है कि हमको जो वेतन मिलता है वो समय से नहीं मिल पा रहा है जी, समय 3-4 साल हो गया अभी वेतन नहीं मिला है। 3-4 साल हो गया वेतन नहीं मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही हमारी ख्वाहिश है कि हमारा वेतन मिलना शुरू हो जाए, वेतन मिलना शुरू हो जाए टाइम से, 1000 मंथली मिलता है। अच्छा, और ये ऑफिस के बारे में जो हालात जितना खराब, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? इसके विषय में तो आया सर जी, मानिए इसका सुधार हो जी, बढ़िया से देख रेख हो, साफ सफाई हम करें जी जी, हमको मान लीजिए झाड़ू अगर बारिश मिलेगा तो हम साफ सफाई करेंगे। अरे आपको झाड़ू वगैरह नहीं मिला हुआ है? नहीं मिला, जब मिलेगा तो सर जी हम साफ करेंगे जी, धीरे धीरे देखिए अपने घर से लेके ये सब। अच्छा, आप अपने घर से ला करके सफाई करते हैं जी सर, तो बहुत ही तकलीफ वाली बात है। ये देखिए पूरे छत की दीवारें पानी से खराब है, पानी चू चू करके पूरी दीवार खराब हो चुकी है जी। सर बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है जी, और वो दीवार गिरा हुआ और उधर से रास्ता भी बना हुआ है, और इधर इस ये जो यहाँ पे आपी से ये चारों तरफ जंगल जंगली इलाका भी है जी जी, और जानवरों का जंगली जानवरों का आने का भी खतरा है। एक दिन मैं ही बैठा था, इधर से सांप आ गया। अच्छा, इधर से सांप आ गया, काफी मोटा, मैं भागा कि कहीं काटने लगे, बंदर आ जाते हैं। अच्छा, कभी भेड़िया, कभी पूछ, कभी सियार, क्यों ये तो रहता है पूरा, ये सब जाने रहा है। ये ज्योतिष आदमी है यहाँ पे अपना, ये काफी दिन से बाप दादा से यहाँ सफाई वफाई किया है, इसी को हम लोग रखे हैं, अपना पैसा वैसा देते हैं तो ये साफ होता है। ये भी तो, इनका भी कहना है कि हम झाड़ू वगैरह सब घर से लेके आते हैं। हाँ, नहीं उसका भुगतान नहीं हो रहा, क्या किया जाए बताइए, बोले सैलरी नहीं मिल रहा है, तो सैलरी के बारे में तो खुद बताएंगे जी जी, बताओ। ये मैं काली पट्टी बांधा हूँ, इस पर आप नहीं पूछ रहे हैं क्यों? अच्छा, हाँ, ये काली पट्टी क्यों बांधे हैं आप? ये सरकार जो है, सरकार जिसे जो मंत्री विधायक हैं जी जी, ये लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, एक दिन विधायक हो गया, मंत्री हो गया, शपथ ले लिया, आजीवन उसको पेंशन मिलेगा। एक बार विधायक हुआ एक पेंशन, दो बार विधायक हुआ दो पेंशन, सांसद हो गया उसका अलग पेंशन, और कर्मचारी 60 साल सेवा करेगा उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, और नहीं तो हमारे वेतन से 10% काट लिया जा रहा है, सरकार उसको शेयर मार्केट में लगा रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं, मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने क्या करेंगे लोग, इनकी मंशा क्या है। कर्मचारी उसी के विरोध में 2 तारीख से हमारे संगठन ने, सभी संगठनों ने इसी के विरोध में 2 तारीख से ये क्या काली पट्टी बांध के हम लोग विरोध सरकार का कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अच्छा, नहीं हम लोग काम बंद करें, काम करते हैं, ये विरोध ये लगाए हैं, विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध के कि हम लोगों का पुराने पेंशन बांध, ये काली पट्टी जो बांधे हैं हमारे धर्मेंद्र जो हमारे यहाँ है जी, ये पुरानी पेंशन वाला है, मतलब इसको रिटायर होगा तो इसको पेंशन मिलेगा लेकिन हम लोग को नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों दोहरी राजनीति, मतलब सरकार क्यों कर रही है, मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा क्यों, ऐसा क्यों है? अभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, तो सरकार हो रहा है उसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई या तो अपना भी खत्म करो नहीं तो हमको भी पुरानी पेंशन दो। नहीं यहाँ तो दोहरी पॉलिसी तो हो ही गई है कि उनको मान लीजिए दे रहे हैं आपको नहीं दे रहे, आखिर उसका कोई निष्कर्ष या कोई वजह बताए हैं? वजह कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है, यानी अपने लिए बजट है लेकिन हमको देने के लिए बजट नहीं है, अपना पेट भरे जनता जाए भाड़ में।
यानी सर कहना यही चाह रहे हैं कि सबको एक नजर से देखी जाए, हाँ दो नजरों से ना देखी जाए। मोदी जी का ही बना रहा है सबका साथ, हाँ मोदी साहब का, मोदी साहब का, सबका ये, हाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा है। हमारी पुरानी पेंशन दे दो, वो कह रहे नहीं देंगे, आखिर क्यों आपने लेंगे? तो ये तो सर ये अन्याय हो रहा हम सर ना, हम लोग यहाँ 10 से 5 बजे 4 घंटे काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रहे हैं, और जो वही बुढ़ापे की लाठी पेंशन है, रिटायरमेंट के बाद जब कोई सहारा नहीं रहेगा, जब वेतन भी नहीं रहेगा, मतलब ताकत भी नहीं रहेगी शरीर में, तो पेंशन ही सहारा रहता था, उसी से लोग खुद जो है तारे नेता अभी माननीय अटल बिहारी जी ने जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने खत्म किया था इसको, वो खुद 94 साल पेंशन खाकर ही जिंदा रहे। तो ये सब तो विडम्बना है। तो सर ये जो काली पट्टी आप बांध के रखे हैं, ये कब तक बांधे रहेंगे? ये हमारे संगठन का आह्वान है कि 2 से 6 तक हम लोग ये बांधेंगे, उसके बाद 26 सितंबर को हम लोगों का लखनऊ में प्रदर्शन होगा, विधानसभा का घेरा होगा, उसके बाद फिर दिल्ली का हम लोग कूच करेंगे, और ये लड़ाई अब लंबी चलेगी सरकार से, और मतलब संगठन पीछे नहीं है। इसी सब चीजों को लेकर आप लोग धरना वगैरह देंगे? हाँ जी यही पुरानी पेंशन और भी कुछ तमाम कर्मचारियों की मांगे हैं जिसको सरकार नहीं मान रही है, और ये तानाशाही अपना ये रवैया अपनाए हुए हैं, कर्मचारियों को एकदम प्रताड़ित किया जा रहा है, यही सब बातें को लेकर हम लोग काली पट्टी बांधे अपना काम कर। तो साथियों जैसा कि यहाँ नटवा जंगल के अंदर आपने ये सारी चीजों को आपने देखा, और यहाँ जनाब अशफाक साहब के ने यहाँ के बारे में आप लोगों को बता करके अवगत कराया, जो यहाँ के हालात बहुत ही बद से बदतर हैं। हाँ एक तो कहते हैं खराब है, लेकिन ये खराब नहीं बल्कि बद से बदतर है, जो बड़ी ही मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा है। ना यहाँ पानी का व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट का व्यवस्था है, दरवाजे टूटे हुए हैं, यहाँ एक तो जंगल के चारों तरफ जंगल के किनारे ये ऑफिस है, और इन लोगों को इनको खतरा भी है कि यहाँ पर कभी जंगली जानवर भी आ जाते हैं, और यहाँ तक उनका कहना यह है कि एक रोज एक सांप भी आ गया था यहाँ से, दिखाइएगा, यहां से एक सांप आया और जो डर के मारे उनको यहां से बाहर भागना पड़ा। और इसलिए तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से, मेरी अपील यही है, गुजारिश यही है कि आप इस ऑफिस को ध्यान दें और इस पे और इस ऑफिस को सही कराएं। धन्यवाद, और आप सभी से मैं गुजारिश यही है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि लाखों करोड़ों तक ये आवाज पहुंचे और ये तमाम मसाइल को हल किया जा सके। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।